आप लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा GT का नया फ़ोन लिया है क्या। जब देखो जब GT का ही वीडियो डालते रहता है, बाकी अदर फ़ोन का तो रोम का रिव्यू ही नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या है कि वो फ़ोन अभी नया आया है और बहुत सारे लोग उसे बाय करना चाहते हैं, बट मीडिया टेक होने की वजह से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी हैं कि उसे बाय करें या नहीं करें। इसलिए है जो मैं यहाँ पे सारे वीडियोज दे रहा था ताकि किसी के दिमाग में भी कन्फ्यूजन ना रहे इस GT से रिलेटेड और बाय कर सके। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए ही था। तो अब वो सब कुछ हो चुका है, एक दो वीडियोज और बचे हैं जो कि टाइम टू टाइम आ जाएगा। लेकिन हम बैक टू आ चुके हैं रोम रिव्यू के ऊपर, और मेरे पास है ये पोको का M2 Pro जो कि MI A12 का ही एक फैमिली मेंबर है और ये 4G वाला वेरिएंट है। और इसका एक लेटेस्ट अपडेट आया है चाइना पोर्ट रोम जो कि लेटेस्ट वीकली बीटा पे रन कर रहा है, जो कि हमारा है 21.7.28। और इस बार इसके डेवलपर थोड़े डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं। और इसके ऑल स्पेक्स की बात करें तो एंड्रॉयड 11 आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ 7 मंथ का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है जो कि अच्छे से काम कर रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम फीचर्स भी आपको वर्किंग देखने को मिलता है। रही बात कि इस अपडेट के अंदर क्या नया ऐड किया गया है, तो 2-4 आपको यहाँ पे नए फिल्टर देखने को मिल जाते हैं गैलरी के अंदर। अगर आप किसी भी फोटोज वगैरह को एडिट करते हो तो कुछ नया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो एडिटिंग आपको ज़्यादा पसंद है तो ये काम आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 जो ऑप्शन है इस बार नए ऐड कर दिए गए फिल्टर के अंदर, जो कि मैंने चाइना का वीकली अपडेट में भी आपको बताया था, आपने चेक किया होगा तो आपको पता होगा। तो ये सिर्फ 4 नए ऑप्शन आए हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इशूज थे कि नोटिफिकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा था, और कभी कभी कई सारे नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा था, उसे फिक्स किया गया था। इसके अलावा कुछ नया ऐड नहीं किया गया है ऑफिशियल चैनलों के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो है UI के अंदर इम्प्रूवमेंट हमारे MIUI प्लस बीटा का, जो कि आप देख सकते हो किस तरीके से देखने को मिलता है। और ओल्ड लुक की बात करें कि पहले ये कैसे था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाया तो अपने K20 Pro के अंदर, तो आप यहाँ पे देख पाओगे साइड बाई साइड कि किस तरीके से हमें पहले ओल्ड लुक देखने को मिलता था। तो यहाँ पे लुक में थोड़ा सा बदलाव किया गया, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन का तो ऑप्शन मिलता है, बट क्लॉक को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है क्योंकि उससे बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है। तो आप अगर यूज़ करना चाहते हो AOD तो उससे रिलेटेड आपको पैच वगैरह फ्लैश करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा हुआ मिलता है, ना कि वॉलपेपर। और यहाँ पे अगर हम आते हैं सिस्टम के वॉलपेपर के अंदर, तो सुपर लाइफ वॉलपेपर आपको नहीं मिलता, तो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो यूज करना है तो। बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि इंस्टॉल ना करें, क्योंकि उससे फ़ोन के अंदर काफ़ी लैग वगैरह और प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपका रीडिंग मोड, कलर स्कीम वगैरह सारे कुछ वर्किंग देखने को मिलता है। यहाँ पे वाइब्रेट के अंदर जो साउंड असिस्टेंट है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन नज़र आते हैं। जब इसे ऑफिशियली मिलेगा ना तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट ये सारे पोर्ट रोम है इसलिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन अभी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं तो आपको स्टेटस बार के वही नॉर्मल ऑफिशियल से कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। और लैंग्वेज सपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही लैंग्वेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक चाइना पोर्ट है तो जो चाइना में लैंग्वेज रहता है वही आपको लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलता है, तो अदर लैंग्वेज यहाँ पे आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, स्क्रीन लॉक, 3 नाम यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि पहले डिफरेंट था बट अब ऐड हो चुका है। सिक्योरिटी का नया लुक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन मिलता है, जिसे ऑन करने के बाद कन्फर्मेशन पासवर्ड पूछेगा जब भी आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करोगे लॉक स्क्रीन पर से। और यहाँ पे सिम सिक्योरिटी का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन सिम कार्ड मैंने नहीं डाल रखा इसलिए पहले बोल रखा है सिम कार्ड डालो उसके बाद हमें यूज करो, अदरवाइज हमारे से दूर रहो। प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, नेटवर्क का, दोनों ट्रैक का, प्राइवेट स्पेस का, और यहाँ पे आपको प्राइवेट प्रोटेक्शन लैब का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हो। और बाकी अदर ऑप्शन तो आपको सेम देखने को मिलता है, जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ऐप्स के अंदर वही सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिसमें कोई खास बदलाव आपको नज़र नहीं आता। वाईफाई, हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ अच्छे से काम कर रहा है, साथ साथ यहाँ पे मुझे ये रोम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा है और जो टच रिस्पॉन्स है ना वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आता है, जैसा कि हमें चाइना में हर बार देखने को मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 1.5 GB फ्री है हमारे है जो 4 GB में से, और कई सारे टैब यहाँ पे ओपन है, तो इसका रियल में मुझे रैम मैनेजमेंट पहले से इम्प्रूव लगा है बाकी अदर पोर्ट रोम के कंपैरिजन में। तो इस बार आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है रैम का, जो कि मुझे सही लगा और ये अच्छे से काम करता है। और हमारा है जो यहाँ पे चाइना रोम होने की वजह से अच्छा खासा एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको MIUI का डायलर, MIUI का कॉन्टैक्ट, MIUI का मैसेजिंग ऐप वगैरह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर कैमरे में आते हैं तो अगर आपका 64 सपोर्ट करता है तो 64 देखने को मिलेगा, 48 सपोर्ट करता है तो 48 देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का हर एक ऑप्शन
फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है कैमरे को यूज करते हुए। लेकिन रही बात यहाँ पे कि परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है इस रूम की ओर से, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। ये है हमारा Antutu का स्कोर, जो कि हर बार की तरह इसने CPU को एक अलग से फाइल डाउनलोड करवाया और CPU खा गया भाई, तो CPU का रिजल्ट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें टाइमर देखने को मिलता है, वॉइस चेंजर यहाँ पे नज़र नहीं आता भाई, निकल गया तो अलग रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइमर मिलेगा लेकिन वॉइस चेंजर देखने को नहीं मिलता है, तो नॉर्मल से आपको जो गेम बूस्टर देखने को मिल जाएगा। रही बात CPU टोटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स मिनिमम और एवरेज वगैरह काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, और फाइनल जो है आपको 91 का स्कोर देखने को मिलता है, जो कि आपके गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, यानी आपको अच्छा सा गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और यह है हमारा सिंगल कोर और मल्टी कोर का रिजल्ट, जो कि Geekbench 5 का है, जो कि ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। लेकिन इस रोम की एक कमी मुझे देखने को लगी है कि अगर आप इसे डेटा केबल से कनेक्ट करते हो कुछ इस तरीके से और कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपका फाइल जो ट्रांसफर नहीं होगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत करता है, और कंप्यूटर में विजुअल नहीं होता है आपका फ़ोन, तो आपको अपने फ़ोन को पहले रिकवरी मोड में डालना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइलों को ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन एक और छोटा सा ऑप्शन है जिसके हेल्प से आप इसे काफ़ी हद तक फिक्स कर सकते हो, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना हर किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको माई डिवाइस पर जाना होगा, ऑल स्पेक्स पर जाना होगा, यहाँ पे आपको ये जो MIUI वर्जन है इस पर 6-7 टाइम टैप करना है, तब जाके आपका एक डेवलपर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब ऑन हो जाने के बाद आपको बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, डेवलपर के ऑप्शन पे जाना है, और ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है USB डिबगिंग, ये ऑफ रहेगा, इसे आपको ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर देते हो उसके बाद अगर आप डेटा केबल कनेक्ट करोगे तो आपका जो MTP है वो काम करने लग जाएगा, लेकिन मेन फाइल अभी भी ट्रांसफर होने में दिक्कत आ रही है कुछ यूजर्स को, और कुछ यूजर्स के लिए अच्छे से ये काम कर रहा है, तो आप चेक कर लेना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। रही बात कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस रोम के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा खासा है, और जितना भी मैंने यूज़ किया है उसके हिसाब से मुझे बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा सही है, बट सम टाइम कुछ कुछ सेटिंग को ओपन होते हुए आपको हल्का फुल्का लैग फील होगा, हल्का फुल्का आपको स्टटर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हर बार हर एक पोर्ट रोम के अंदर होता है। और मैं यहाँ पर आपको BGMI का गेम प्ले नहीं शो कर सकता, क्योंकि मैंने कई बार BGMI को लॉगिन करने की कोशिश की है, बट आई डोंट नो इस चाइना वाले रूम के अंदर लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है जबकि अदर डिवाइसेज पे लॉगिन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे गेम प्ले नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन मैंने कुछ चीजों से बात किया है तो उनका कहना है कि भाई ओवरऑल अच्छा सा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है यहाँ पे BGMI का, तो अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो भाई आप कमेंट करके जरूर बताना, और आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो क्या है ओपिनियन, आप शेयर जरूर करना। रही बात फ्लैशिंग गाइड कैसा है, तो सेम टू सेम होने वाला है, कोई डिफरेंट नहीं है, वाइप करना है, रोम को फ्लैश करना है, और अगर आपके पास पोको M2 Pro है तो नेटवर्क फिक्स जिप को फ्लैश करना है, बाकी द तीनों डिवाइस में फ्लैश नहीं करना है पैच को, और फॉर्मेट एंड रिबूट, उसके बाद आप इसे यूज कर पाओगे बूट करके। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।